देखिए, एक तो आप जानते हैं कि सीजन का पहला डर्बी था ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, और इसमें आज जितने पुलिस इस मैच को रोकने के लिए दिया गया था, और जो मैच देखने के लिए जितने सपोर्टर्स आए हुए थे उनको अरेस्ट करने के लिए आज इतने बंगाल के पुलिस को लगाया गया, उसके आधा पुलिस भी दिया जाता तो भी आज ये मैच हो पाता। तो आज वो आधा आधा पुलिस दिया जाता, जितना पुलिस आज दिया है इस मैच को रोकने के लिए, जितना पुलिस आज दिया गया है इस मैच के डिमांड के लिए, जो आए हुए फैन को सपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए, उससे आधा पुलिस देता तो मैं समझता कि यहाँ आज ईस्ट बंगाल मोहन बगान मैच हो पाता। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के लिए बहुत ही निंदा की बात है ये, और मैं इसकी कट्टोर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोलकाता, जो कि फुटबॉल की हब है, इतने हजारों पुरुष और महिला सारे आए हैं फुटबॉल के सपोर्ट में, क्यों यहाँ के मैच जमशेदपुर जाएगा, क्यों यहाँ के मैच शिलांग जाएगा। यहाँ के मैच यही होनी चाहिए, मोहन बगान के मैच यहाँ होना चाहिए, ईस्ट बंगाल के मैच यहाँ होना चाहिए, और मोहरन के मैच भी यही होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं, या और मैं, फुटबॉल जो है किसी राजनीति में नहीं है, सारे रंग के ऊपर है, सारे धर्म के ऊपर है, जाति के ऊपर है, फुटबॉल एक खेल है। मुझे पूरा विश्वास है आप मैच यहाँ कराए, फुटबॉल मैदान में कोई हंगामा नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगा, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने टीम को सपोर्ट करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैच यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जिस तरह से डॉक्टर जो आरजीकर में जो हादसा हुआ है, जिसकी न्याय विचार के लिए सारे दुनिया आज आया है, उसमें फुटबॉल का भी योगदान है। फुटबॉल के लोग भी चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्दी पकड़ा जाए और दोषी को सजा दी जाए, ऐसा मैं समझता हूँ।